जब एनबी इन्वर्टर एलईडी बल्ब जगमगाएगा तो आपके घर को रोशन कर जाएगा। पंजाब कला परिषद के सहयोग नाल नामी फोटोग्राफर अते कवि रवि रविंदर दियां फोटोआं दी 3 दिना कला प्रदर्शनी आरिया कॉलेज के भारतीय एडिटोरियम विखे लगाई गई। गाड़ी लोहारा के जीवन से आधारित इस फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन पद्म श्री डॉक्टर सुरजीत पात्र चेयरमैन कला परिषद चंडीगढ़ वालों किया गया। इस मौके डॉक्टर निर्मल जौड़ा डायरैक्टर यूथ वैलफेयर पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ आरिया कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर सविता उप्पल श्रीमती शतीशा शर्मा मैनेजमेंट सैकटरी ने विशेष तौर पर शिरकत करके फोटो प्रदर्शनी की शलाघा की। इस मौके प्रिंसीपल मैडम डॉक्टर सविता उप्पल ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी साढ़े नौजवान पीढ़ी को अपने सभ्याचार अते विरासत नाल जोड़ के रखती है। आर्या कॉलेज लुधियाना विच पंजाब आर्ट्स कौंसिल वालों एक प्रदर्शनी लगाई गई चित्र की, जिदे विच रविंदर रवि जी जिहड़े कलाकार हैं उन्होंने वंजारियां दी बारे फोटोग्राफी की, उन्होंने लाइफ स्टाइल बारे, उन्होंने प्रोफेशन बारे, तो उन्होंने गहनों बारे, उन्होंने ड्रेसअप बारे जिहड़ा कि बच्चों ने बहुत सराहिया और बच्चे बहुत उत्साहित सी उन्हां दी प्रदर्शनी देख के। असी आर्ट्स कौंसिल दे बहुत बहुत धन्यवादी हैं और चाहांगे फ्यूचर विच भी ऐसे आयोजन इतने होंदे रहे। ये जो फोटोग्राफी का इन्होंने लगाया है, इसमें रविंदर रवि जी की जो फोटोग्राफी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग, जैसे टपरीवास लोग कैसे वो रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो कैसे उनका ऑक्यूपेशन कैसा है, हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। तो इस फोटोग्राफी से काफ़ी जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो सामने उभर के आई हैं, तो दिस इज़ अ नाइस थिंग कि जो देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ वो कैसे सर्वाइव करते हैं आज के टाइम पर भी, कैसे वो अलग अलग जगहों पे जाके, यू नो दे आर लाइक माइग्रेंट्स, वो कैसे जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ से काफ़ी नॉलेज मिलती है। इससे हम अपने पुराने अपनी सभ्यता के साथ लिंक करते हैं, तो ऐसी चीज़ें और फ्यूचर में और होनी चाहिए जिससे हमें अपनी कला के साथ रहने का मौका मिलता है। आज इस एग्जीबिशन को देख के, फोटो एग्जीबिशन को, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सारी कला संस्कृति बहुत अच्छे से प्रदर्शित की गई है, सब एक रियलिस्टिक व्यू है। जैसे हमारे यहाँ टप्परवासी लोग किस प्रकार से रहते हैं, कैसा अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं, वो सब यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इस कला, इसके माध्यम से हम अपनी पुरानी संस्कृति को जो भूल चुके थे, एक हम नए रूप में देख रहे हैं। जो रविंदर रवि जी ने जो फोटोग्राफी की है वो बहुत ही कमाल की है, जिसमें उन्होंने जो टपरीवासी लोग हैं, जो हमारे उनकी लाइफस्टाइल और उनके कल्चर ट्रेडिशन के बारे में बताया हुआ है, जिससे जो लोग आज की जनरेशन है जिनको पता ही नहीं है कि कौन कैसे जी रहा है, उनको इससे बहुत ही अवेयर होंगे कैसे कैसे लोग जीते हैं, और अच्छा है सारा उनका कल्चर जो पता चल रहा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है, बताया हुआ है, पिक्चराइज किया है। पंजाब कला परिषद दे सहयोग नाल आरिया कॉलेज दे विच ये जिहड़ी प्रदर्शनी, फोटो प्रदर्शनी लाई गई है, इसनू बहुत भरवा हुंगारा मिलिया है। श्री रविंदर रवि दी अपनी कलात्मक सूझ सदका ये फोटो प्रदर्शनी लोगों वालों सलाही गई है। इन्हां कबीलों के जिहड़े लोग हन, रीति रिवाज हन, इन्हां दे विच एक जिहड़ी उन्हां दी अखां दी चमक है वो कमाल दी है, तो उहदे तों मैनूं इह लगदा है कि उहनां दी अखां दी चमक जिहड़ी कि जीवंत जिंदगी दा प्रमाण भी है, वो ये दर्शाउंदी है कि किस तरह इस संघर्ष दे विच विश्वास रखते हैं। आरिया कॉलेज दे विच पिछले 3 दिनों तो श्री रविंदर रवि दीआं तस्वीरां दी प्रदर्शनी चल रही है, जिस विच उन्होंने खानाबदोश गड्डियां वाले कबीले दे जीवन बारे, उना दे आचार विहार बारे, उना दे जीवन दे स्ट्रगल नू, उना दे रस्मो रिवाज नू बहुत खूबसूरती नाल चित्रिया है। दरअसल यह टप्परी वासां दा कबीला सानू अज भी सिख्या दिंदा है कि जिंदगी च कठिनाइयां भी बहुत ने, मुश्किलां आंदियां ने, पर जिंदगी दा सफ़र निरंतर चलते रहना चाहिदा है। जिंदगी दियां थोड़ा पैरां दियां ब्याईयां
ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਆਰੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਡੀ ਲੁਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜਾਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੇਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੋਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਢਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਬੈਜ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਗਾਡੀ ਲੁਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਕਸ .ਪੰਜਾਬੀ, ਯੂਅਰ ਸਿਟੀ, ਯੂਅਰ ਨਿਊਜ਼।